नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में धनु राशि वाले जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार रहने वाला है, यानी इन तीन महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण धनु राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने जा रहा है, कहां पर आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इसमें धनु राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो चूंकि वर्तमान समय में शनिदेव की साढ़े साथी का प्रभाव भी धनु राशि वाले जातकों के जीवन में चल रहा है, जिससे बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों के जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास उपाय जरूर बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं वर्तमान समय में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। धनु राशि के जातकों वर्तमान समय में देश, काल और वातावरण के ऊपर प्रतिकूल और नकारात्मक प्रभाव बना हुआ है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। वैसे तो धनु राशि की बात की जाए तो इस राशि के जातक बहुत ज्यादा जुनूनी होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, किसी कार्य को प्रसन्नता के साथ करते हैं। इस राशि वाले जातकों में धैर्य की परिपूर्णता होती है। अग्नि तत्व होने से इस राशि में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। उग्र स्वभाव वाली राशि यह मानी जाती है। इस राशि के जातक जीवन में स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हर प्रकार की स्थितियों को संभालने का इनके अंदर गुण देखा गया है। विश्वास पात्र राशि यह मानी जा सकती है। केयरिंग नेचर के जातक होते हैं, जिद्दी होते हैं। धनु राशि वाले जातकों में मानसिक चेतना और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही ज्यादा होता है। जीवन में कठिन से कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य को यह हंसकर स्वीकार करते हुए दिखे जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में धनु राशि वाले बहुत सारे जातकों के मन में निराशा, असफलता और तनाव की स्थिति बनी हुई है। अपने कैरियर और अपने व्यवसाय को लेकर कई प्रकार की चिंताएं मन में बनी हुई है। धनु राशि के यदि आप जातक हैं तो आपको आर्थिक जीवन में संकट का सामना करना पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में चुनौतियां बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब हम क्या करें, यानी असमंजस की स्थिति भी बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे और यह भी बताएंगे कि ऐसा जीवन में आपके साथ क्यों हो रहा है। सबसे पहले यह हम आपको बता दें, धनु राशि वाले जातकों, इन तीन महीनों में ग्रही स्थितियां आपके राशि पर किस प्रकार की रहने वाली है। तो देखिए, आपके राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो मुख्य ग्रह माने जाते हैं। ग्रह मंडली में गुरुदेव बृहस्पति का विशेष और अहम योगदान है। इन तीनों माह में आपके राशि के पराक्रम भाव में गुरु रहने वाले हैं। आपके राशि के धन भाव में शनिदेव वक्रगत स्थितियों में जून, जुलाई और अगस्त के महीने में रहने वाले हैं। जून की शुरुआत में सूर्य राहु का ग्रहण दोष आपके राशि के रोग भाव में बना हुआ है। मंगल, बुध और शुक्र ये आपके राशि के सप्तम भाव में रहने वाले हैं। केतु आपके राशि के व्यय भाव यानी 12th हाउस में रहने वाले हैं। गोचर स्थितियों में इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई है। जो मेजर ग्रह हैं उनका परिवर्तन नहीं होगा, माइनर ग्रहों का परिवर्तन इन तीन माह में जरूर होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है। जून, जुलाई और अगस्त के समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को जून का जो महीना है उसमें आपको संघर्ष ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर एकाग्र करके अपनी संपूर्ण ऊर्जा कंसंट्रेट करके किसी कार्य को करेंगे, जून, जुलाई और अगस्त तीनों महीनों में आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। ग्रहों के अनुसार जून का महीना ज्यादा चुनौती भरा रह सकता है।
उसमें जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसमें धनु राशि वाले जातक मान सम्मान अर्जित करेंगे। यदि रोजगार में जुड़े हुए हैं उसमें मान सम्मान होगा, कार्यों में उन्नति देखने के लिए मिलेगी। यदि व्यावसायिक जीवन में आप संलग्न हैं, व्यापार में बड़ी सफलता देखने के लिए आपको मिलने जा रही है। यदि पूर्व के समय से असफलताओं के कारण मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न थी, व्यापार में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जून जुलाई और अगस्त के महीने में सफलता आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपकी राशि में ऐसी स्थिति बनी हुई है जिससे आपका अधिकारी वर्ग और अनुभवी व्यक्तियों से आपके संपर्क स्थापित हो सकते हैं, जो आपको जीवन में श्रेष्ठ स्थितियां आपके जीवन में देंगी, आपकी मदद करते हुए नजर आ सकते हैं। आर्थिक लिहाज से आपको जानकारी दिया जाए तो राशि का जो धन भाव है सेकंड हाउस, उसमें शनिदेव वक्रगत स्थितियों में है और राशि के लाभ भाव में गुरुदेव बृहस्पति की शुभ दृष्टि जा रही है, जिससे धनु राशि वाले जातक धन प्रदायक स्थितियां जीवन में जरूर देखेंगे। एक से अधिक माध्यम से जीवन में धनार्जन होता हुआ नजर आएगा। जून जुलाई और अगस्त की समयावधि में व्यापार यदि आप कर रहे हैं, व्यापार से धनार्जन होगा। विदेश में यदि आप किसी भी प्रकार का व्यापार संचालन कर रहे हैं या विदेश से आपके संपर्क यदि स्थापित हैं, उसमें अच्छे धन आने की संभावना जीवन में देखने के लिए मिलने जा रही है। राशि के व्यय भाव में मौजूद केतु के प्रभाव से धार्मिक दिशा में आपके खर्च इस समय अवधि में जरूर होंगे। धनु राशि वाले जातकों, इस समय अवधि में अगर आपकी राशि में परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि का जो चतुर्थ भाव है उससे परिवार के बारे में विचार किया जाता है। यदि पूर्व के समय से पारिवारिक मामलों में असंतुलन और तनाव की स्थिति बनी हुई थी तो जून जुलाई और अगस्त इन तीनों महीनों की समयावधि में पारिवारिक जीवन में श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने जा रही है। परिवार में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। भाई बहनों का सहयोग देखने के लिए जरूर मिलेगा। परिवार के लिए भवन, वाहन, भूमि, इन चीजों की खरीदने की योजना बनाते हुए आप नजर आने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों, इस समयावधि में अगर आपके राशि में प्रेम जीवन के लिहाज से आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन के लिहाज से जून का महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। जुलाई और अगस्त के महीने में मिली जुली स्थितियां देखने के लिए मिलने जा रही है। आपके राशि में वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपको जानकारी दें, वैवाहिक मामलों में भी जून का महीना उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, जुलाई और अगस्त के महीने में श्रेष्ठता देखने के लिए मिलेगी। जुलाई अगस्त के महीने में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातक सुख सुविधाएं अर्जित करते हुए नजर आएंगे। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के भौतिक सुख में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी और जीवन काफी खुशनुमा रहने वाला है। इसमें सम्मान की स्थिति भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। यदि पूर्व के समय से रिश्तों में अलगाव की स्थिति बनी हुई थी तो वो दूर होती हुई जरूर नजर आएगी। इसमें वाद विवाद जून के महीने में जरूर होगा। आपके रास्ते में स्वास्थ्य के लिहाज से आपको जानकारी दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। धनु राशि वाले जातकों, राशि के छठवें भाव से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष जून के महीने में बना हुआ है। यहां पर अगर देखा जाए आपके राशि में स्वास्थ्य में मिली जुली स्थितियां रहने वाली है। दो महीने उत्तम रहने वाले हैं। जून के महीने में स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसमें पेट से संबंधित समस्याएं, आंखों से संबंधित समस्याएं, किडनी में किसी भी प्रकार की छोटी मोटी समस्या देखने के लिए मिलेगी। पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए क्रोध आपको कम करना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की समस्या है उसको यदि आप दूर करना चाहते हैं, संयमित दिनचर्या अनुशासित जीवन आप जरूर जिए और यदि गंभीर समस्या जीवन में बनी हुई है, डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय आप जरूर ले सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों, यहाँ पर शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से भी आपको परहेज रखना चाहिए। पूर्ण रूपेण दूर
रहने की सलाह दी जा रही है। उसका कारण है कि वर्तमान समय में शनिदेव आपके ऊपर प्रभावी हैं और शनिदेव की दशा का प्रभाव चल रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय, जिसको करके आप जीवन में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां चल रही हो, शास्त्रकारों का मानना है यदि देश काल और वातावरण के ऊपर प्रतिकूल और नकारात्मक प्रभाव बना हुआ रहता है तो कुंडली पर बना हुआ राजयोग भी कम प्रभावी होता है। तो यहाँ पर इस बात से आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। कर्म दक्षता के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने व्यक्तित्व के ऊपर आपको कार्य करना है। अपनी विशेषताओं और अपनी कमियों को पहचानने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले धनु राशि के जातकों, क्रोध पर आप नियंत्रण बनाकर किसी कार्य को जीवन में करें। अपने जीवन में लोगों पर भरोसा करने से पूर्व आपको सोच विचार कर भरोसा करना चाहिए। साथ में जीवन में ऐसे सहकर्मियों के साथ, ऐसे मित्रगणों के साथ अपनी संगति को रखें जो आपके जीवन में आपका व्यक्तिगत विकास करते हों। धूर्त और चापलूस व्यक्तियों से आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तीसरा, धनु राशि वाले जातकों को अपनी आलसी प्रवृत्ति पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाने के उपरांत धनु राशि के बहुत सारे जातक कुछ समय के पश्चात उस योजना को भूल जाते हैं और उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ही कम होने लगता है। इसके लिए आपको यह सलाह दी जाती है, आत्मविश्वास के साथ लगातार किसी लक्ष्य में आपको संलग्न हमेशा रहना चाहिए, तभी आपको जीवन में सफलता देखने के लिए मिलेगी। वैसे भी कहा गया है, कर्म दक्षता के आधार पर भाग्य और भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको अपनी कर्म दक्षता पर पूर्ण रूपण फोकस होकर कार्य करना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों, शनिदेव के बारे में यदि गलत भ्रांतियां आप मन में बनाए हुए हैं, ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में शनिदेव की उतरती साढ़े साथी का प्रभाव आपके ऊपर तो चल रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि शनिदेव आपको जीवन में ज्यादा चुनौतियां दे रहे हैं। हालांकि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जीवन में फल अर्जित होते हैं, और यदि जीवन में संघर्ष चल भी रहा हो तो शनिदेव आपको व्यक्तित्व के द्वारा मजबूत करना चाहते हैं। इसको नकारात्मक दिशा में न ले जाकर सकारात्मक लें। यदि जीवन में चुनौतियां चल रही है तो उससे व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास और उन्नति होती है। तो यहाँ पर आपको इस चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अब आइए हम आपको बताते हैं शनिदेव से जुड़ा हुआ कुछ खास उपाय, जिसको आप जरूर कर सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों, शनिदेव किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से तत्काल प्रभावित होते हैं। व्यक्ति का यदि व्यवहार सही होता है, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, ये चीजें यदि आदत में नहीं होती हैं, शनिदेव उस व्यक्ति के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होते हैं। जैसा कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की साढ़े साथी का प्रभाव होता है, उस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव पूर्ण रूपण प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने मन और अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरूर बचना चाहिए। एक उपाय आप जरूर कर सकते हैं, शनिवार के दिन सूर्योदय के पश्चात निवृत्त होकर स्नान ध्यान से दैनिक क्रियाओं से यदि आप खाली हो जाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और जल द्वारा अभिषेक करने के उपरांत 108 प्रदक्षिणा आप करें और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। या तो दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ आप जरूर करें, आप देखेंगे कि बेहतर स्थितियां जरूर देखने के लिए मिलेगी। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, जिसमें काला शर्ट, काला जूता, छाता, काला पुष्प, सोना, सरसों का तेल जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को दान कर सकते हैं। साढ़े साथी के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव की आप आराधना जरूर करें तो जीवन में श्रेष्ठता देखने के लिए मिलेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हो तो धनु राशि वाले जातकों, धार्मिक चीजों में आपको संलग्न होना है। धार्मिक अनुष्ठान करें, या तो रुद्राभिषेक आप घर में जरूर करवाएं, या तो आपको आध्यात्मिक पुस्तकों का
अध्ययन करना चाहिए। इससे आपके अंदर सकारात्मक भाव उदय होंगे। जब सकारात्मक विचार मन में अंदर जाएगा तो शारीरिक क्रिया के द्वारा भी आप सही चीजें जीवन में करेंगे। इसलिए अपने आप को धर्म कर्म अध्यात्म से आपको हमेशा जोड़कर रखना है। अपने माता पिता का पूर्ण रूप से सम्मान करके जीवन में किसी भी कार्य को जरूर करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।